तेरा बाप कूड़ा उठाता है क्या गुड्डू? तू कूड़े वाले का बेटा है? गुड्डू तू हमारे बिरादरी का नहीं है, हमारे साथ नहीं बैठ सकता। हाँ चल जमीन पे बैठ। गुड्डू का मजाक उड़ाया जा रहा था और गुड्डू चुपचाप सुन रहा था। आज स्कूल में उसका पहला दिन है। स्कूल में आते वक्त उसके पिता ने कह दिया था, बेटा हम समाज के निचले हिस्से के लोग हैं, हमारे परिवार में आज तक कोई स्कूल नहीं गया है, तू पहला है जो स्कूल जा रहा है, लेकिन संभाल के बेटा, लोग तुझे नहीं अपनाएंगे। ठीक है बाबा, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, श्री कृष्ण तो है मेरे साथ, तो फिर डरना क्यों? गुड्डू को स्कूल आते ही पता चल गया कि उसका बाबा ये सब क्यों बोल रहा था। स्कूल में सभी गुड्डू का मजाक उड़ाने लगे। स्कूल में किसी का बाप डॉक्टर था तो किसी का बाप सरकारी नौकरी करता था, और गुड्डू का बाबा उन्हीं लोगों के घर से कूड़ा उठाता था। उन अमीर बच्चों को ये हजम नहीं हो रहा था कि कूड़ा उठाने वाले का बेटा उन्हीं के साथ एक ही स्कूल में कैसे पढ़ सकता है। इसीलिए सभी गुड्डू पर अत्याचार करने लगे। गुड्डू नीचे बैठा रहा, बाकी बच्चे उसे चाटा और लात मारते रहे। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए। गुड्डू घर लौटकर उदास रहने लगा। ये देखकर उसके बाबा ने पूछा, क्या बात है बेटा, उदास क्यों है? स्कूल में कोई परेशानी है क्या? हाँ बाबा, स्कूल में कोई मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, भगवान कृष्ण क्यों नहीं आते मुझे बचाने? वो सच में है ना? ये क्या बेटा, भगवान पर शक नहीं करते, श्री कृष्ण तभी धरती पर आते हैं जब जरूरत पड़ती है, देखना अगर बुरा भला कुछ हुआ तो वो जरूर आएंगे। लेकिन कब बाबा? सब लोग मिलकर मुझे मार डालेंगे तब। हे श्री कृष्ण आप आओ ना, मेरे साथ दोस्ती करो ना। गुड्डू बाबा की गोद में सो गया। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल सर नहीं आए। खबर आई कि अचानक से प्रिंसिपल सर की मृत्यु हो गई है। ये सुनकर सब लोग ताजुब में आ गए। अरे ये कैसे हो गया, अब हमारा स्कूल कौन चलाएगा? तभी एक लंबा चौड़ा आदमी क्लास के अंदर आया। उस आदमी को पहले स्कूल में किसी ने कभी नहीं देखा था। इस आदमी के क्लास में घुसते ही सारे बच्चों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब से स्कूल मैं चलाऊंगा, बच्चों मैं इस स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ। उनका नाम कुणाल जी था। कुणाल जी की हंसी में कुछ तो बात थी। वो हंसी सुनकर बच्चों के हाथ पैर कांपने लगे। कुणाल जी ने गुड्डू की तरफ देखा और कहा, अरे तुम नीचे क्यों बैठे हो? सर वो कोई मुझे बेंच पर बैठने नहीं देता सर। क्यों, क्या बात है? मेरे पापा कूड़ा उठाते हैं ना, इसीलिए। क्या कूड़ा उठाते हैं? कूड़े वालों के बच्चों को भी पढ़ाना पड़ेगा क्या? तुम्हारी जगह क्लास के अंदर नहीं है, तुम आज से क्लास के बाहर खड़े रहोगे और बाकी सब लोगों के काम करोगे। लेकिन सर मैं तो पढ़ने आया हूँ। तुम जैसे कूड़े वालों के मुंह पे पढ़ाई लिखाई की बातें शोभा नहीं देती, जाओ क्लास के बाहर जाओ। गुड्डू को क्लास के बाहर जाना पड़ा। ये देखकर क्लास में बैठा नील नाम का एक लड़का खड़ा हो गया। सर बहुत अच्छा किया आपने, मैं भी कल से वही कह रहा था, खैर मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, हम बहुत अमीर हैं। वाह बहुत बढ़िया, स्कूल पढ़ाई लिखाई हम जैसे अमीर लोगों के लिए ही तो है, ये सब गंदे नाली के कीड़े आकर स्कूल का नाम खराब करते हैं। उनका इशारा गुड्डू की तरफ था। गुड्डू पूरा दिन लोगों की फरमाइश पूरी करता रहा, किसी को पानी लाकर देता तो किसी के जूते साफ करता। ये सब करते करते गुड्डू को रोना आ गया। घर लौटकर वो बिना कुछ खाए पिए सो गया और मन ही मन कृष्ण को बुलाने लगा। अब स्कूल में काला साया पड़ चुका था, अब तो स्वयं कृष्ण को धरती पर आना ही था। अगले दिन गुड्डू को स्कूल जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो स्कूल के लिए निकला। उसके घर से स्कूल जाने के लिए उसे 1 घंटा चल के जाना पड़ता था। आज भी वो पैदल जा रहा था, तभी उसके कान में एक मधुर धुन आई। अरे इस जंगल में ये मधुर धुन कहाँ से आ रही है, जरा देखूं तो। गुड्डू धुन को सुनते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ देर चलते ही वो समझ गया कि ये धुन बांसुरी की है। ये तो बांसुरी की धुन है,
लेकिन यहाँ अभी बांसुरी कौन बजा रहा है? इस वक्त यहाँ बहुत सारे गाय होते हैं, आज तो एक गाय भी नहीं दिख रहा मुझे। गुड्डू को ये बात बड़ी अजीब लगी। वो कुछ देर चला और देखा कि तालाब के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर एक लड़का बांसुरी बजा रहा है। शांत हवा में उसके बाल उड़ रहे हैं। आसपास के पेड़ पौधों के पत्ते भी धीमे धीमे नशे में झूम रहे हैं और सारी गाय उस लड़के के आसपास खड़ी हैं। गुड्डू उस लड़के के पास चला गया। अरे वाह, बहुत अच्छा बांसुरी बजा लेते हो तुम। गुड्डू को देखकर ही उस लड़के ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। आओ आओ गुड्डू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार क्यों? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कौन हो तुम? मुझे पता था कि तुम चौंक जाओगे। मेरा नाम कान्हा है, मैं भी तुम्हारे स्कूल में भर्ती हुआ। स्कूल से सुना कि तुम इस रास्ते से हर रोज पैदल स्कूल जाते हो, इसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ था। स्कूल नया है, वहाँ मेरा दोस्त कोई नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? गुड्डू को तो जैसे हाथ में चांद मिल गया, उसका भी कोई दोस्त नहीं था। गुड्डू ने तुरंत हाँ कर दिया और वो दोनों एक साथ स्कूल की ओर चलने लगे। जाते जाते गुड्डू ने स्कूल के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे सब लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। स्कूल पहुंचकर गुड्डू ने कहा, कान्हा तुम क्लास के अंदर आओ, मैं यहीं रहूंगा क्लास के बाहर। क्लास के बाहर क्यों? नए प्रिंसिपल सर ने बोला है, वो सर ने कहा है कि। समझ गया, उनको मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। चलो आज तुम मेरे साथ बेंच पर बैठोगे। लेकिन कान्हा। अरे कुछ नहीं होगा, चलो तो। कान्हा गुड्डू को लेकर क्लास के अंदर गया और सामने की बेंच पर बैठ गया। ये देखकर सारे बच्चे ताजुब करने लग गए। अरे वो देखो, उस नए लड़के के साथ गुड्डू बेंच पर बैठ गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसे मजा चखाना ही होगा। ये बोलकर नील गुड्डू को मारने के लिए आगे आया। कान्हा ने ये देख लिया। गुड्डू की ओर देखकर उसने एक आंख मारी और नील तुरंत पैर फिसलकर मुंह के बल गिरा। बहुत अच्छा हुआ, ये कैसे किया कान्हा? जलवा है हमारा यहाँ। सुनो सब लोग, आज से गुड्डू को कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि गुड्डू मेरा दोस्त है। जो भी उसे परेशान करेगा उसे मैं मिट्टी में मिला दूंगा। बच्चे डर कर बैठ गए। गुड्डू बहुत खुश हुआ, आज से पहले उसके लिए किसी ने नहीं लड़ा था। उधर प्रिंसिपल कुणाल जी अपने कमरे में कुछ और ही काम में व्यस्त थे। वो एक तंत्र साधना कर रहे थे। जय शैतान की जय, जय कंस महाराज की जय। मुझे अमर बना दो शैतानों का राजा कंस महाराज, मुझे अमर बना दो, मैं इस धरती पर राज करना चाहता हूँ। कुणाल शैतान का भक्त था, खास करके कंस महाराज का। वो हर रोज कंस महाराज की पूजा करता था। उसने ही पिछले प्रिंसिपल को मारा था ताकि वो खुद इस स्कूल में आ सके। पूजा खत्म करके वो क्लास में आया और गुड्डू को बेंच पर देखा। अरे वाह, आज तू बेंच पर जाके बैठ गया, हिम्मत बढ़ गई है तेरी। ये बोलकर कुणाल भी गुड्डू को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कान्हा के इशारे पर वो भी मुंह के बल गिर पड़ा। ये क्या था, कौन है तू? आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं कौन हूँ, मैं कान्हा हूँ। कान्हा? नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। कुणाल क्लास से भाग गया। वो जाकर आग के सामने पूजा करने बैठ गया। कंस महाराज मेरे सामने आइए, मुझे दर्शन दीजिए, हे शैतान सामने आओ। पूजा के बाद आग में से कंस महाराज निकले। परेशान क्यों है वत्स, इस कलयुग में मैंने तुझे यहाँ राज करने के लिए भेजा है, परेशान होने के लिए नहीं। लेकिन स्कूल में कान्हा आ गया है, वह एक छोटा सा लड़का है, लेकिन मुझे लगता है कि वह कृष्ण का अवतार है महाराज। क्या कृष्ण का अवतार? क्या फालतू बात कर रहा है? सही बोल रहा हूँ महाराज, महाराज मुझे शक्ति चाहिए, मुझे अमर होना है, उस कान्हा को सबक सिखाना है, उसने आज मुझे गिरा दिया। ठीक है, होली के दिन तू स्कूल के बच्चों का बलि चढ़ा, उससे ही तू अमर हो पाएगा।
कंस महाराज चले गए। कुणाल की आंखें लालच से लाल हो गई। मैं सबकी बलि चढ़ा दूंगा, सबको मार डालूंगा और खुद अमर हो जाऊंगा। दो दिन बाद होली थी। कुणाल ने एक प्लान बनाया। उसे पहले ही शैतान से कुछ जादुई शक्तियां मिल चुकी थी। उसने होली के दिन उसी के इस्तेमाल के बारे में सोचा। वहाँ क्लास में गुड्डू की बहुत खातिरदारी होने लगी। सारे बच्चे गुड्डू को टिफिन देने लगे। गुड्डू हंसते हुए कहने लगा, ये तुमने क्या किया कान्हा? कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस आज तुम्हें वो सम्मान मिल रहा है जो तुम्हें चाहिए था। ऐसे ही दो दिन बीत गए और होली के दिन सभी बच्चे रंग लेकर स्कूल आ गए और आपस में होली खेलने लगे। ये होली है, बहुत मजा आ रहा है आज। होली है। लेकिन बाहर कुणाल आ गया था और वो सबके लिए मृत्यु ले आया था। उसने अपनी जादुई शक्ति से एक विशाल पांच सर वाले सांप को बाहर निकाला और कहा, जा स्कूल के सारे बच्चों को मार डाल। सांप स्कूल के अंदर घुस गया। सब लोग होली खेलने में व्यस्त थे। तभी सांप उनके सामने आ गया और पांचों फन उठाकर डसने के लिए आया। इतने विशाल सांप को देखकर सबके होश उड़ गए, लेकिन कान्हा नहीं डरा। मुझे पता था कि कुणाल ऐसा ही कुछ करेगा, दिमाग तो उसे कंस से ही मिला है ना। वो सांप कान्हा को डसने गया, लेकिन कान्हा उसी के फन को पकड़कर उसके सर पर चढ़ गया। दर्द हो रहा है। ऐसे ही कान्हा ने उस सांप को मार डाला और तुरंत वहाँ कुणाल आ गया। बहुत हो गया कान्हा, तुझे तो मैं मारूंगा, उसके बाद सारे बच्चों को भी मार डालूंगा। और तभी एक चमत्कार हो गया। कान्हा स्वयं श्री कृष्ण में बदल गया। मुझे पता था कि कंस मामा ने तुम्हें धरती पर भेजा है, इसीलिए मुझे खुद तेरे विनाश के लिए आना पड़ा। ये ले। श्री कृष्ण की शक्तियों का मुकाबला करना तो नामुमकिन था। कुणाल हार गया और वो भी मिट्टी में मिल गया। कृष्ण ने पाप का विनाश किया। सभी लोग हाथ जोड़कर बैठ गए। भगवान आप? हाँ गुड्डू, मैं ही कान्हा हूँ। मैं दुनिया से पाप और गरीब अमीर में भेदभाव मिटाने आया था। मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। तथास्तु। उसके बाद से गुड्डू सबका दोस्त बन गया और स्कूल का पुराना प्रिंसिपल भी जिंदा हो गया। स्कूल में सब कुछ सही हो गया और सब लोग खुशी खुशी पढ़ाई करने लगे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इतनी रात हो गई है, वो अभी तक नहीं लौटे, उनका फोन भी नहीं लग रहा है, क्या करूं? अंजलि चिंता में पड़ गई क्योंकि उसका पति रमेश सुबह से घर नहीं लौटा है। अंजलि 5 महीने की गर्भवती है। रमेश ने सुबह अंजलि से कहा था, अंजलि कल होली है और तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। इस खुशी के मौके पर मैं कल अच्छे से होली मनाना चाहता हूँ। मैं गुलाल खरीदने बाजार जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। उसके बाद रमेश गुलाल खरीदने के लिए बाजार चला गया, लेकिन उसके फोन में ज्यादा बैटरी नहीं थी, इसलिए उसका फोन भी ऑफ हो गया। रमेश बाजार से गुलाल खरीद कर लौट ही रहा था कि तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और आसपास के लोग उसे अस्पताल लेकर गए। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, बस सर पर थोड़ी चोट लगने के कारण वो बेहोश हो गया था और एक्सीडेंट के वक्त उसका फोन भी खो गया था, इसलिए कोई अंजलि को कॉल भी नहीं कर पाया। और उधर अंजलि घर पर बैठ बैठ कर परेशान हो गई। भला गुलाल लेने में कितना समय लगता है, नहीं नहीं मुझे उन्हें ढूंढने जाना ही होगा। ये बोलकर बीच रात को अंजलि रमेश की खोज में निकल पड़ी। उसके हाथ में मोबाइल फोन था और उसने सोने के जेवर पहने हुए थे। गर्भवती होने के कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अरे बाप रे, इतनी रात को मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? हे कृष्ण कन्हैया, मुझे राह दिखाइए। अंजलि भगवान कृष्ण की भक्त है, इसलिए इस मुश्किल वक्त में वो उन्हें याद करने लगी। वो कुछ देर तक चलती रही और तभी उसके पीछे से बाइक पर सवार होकर दो आदमी आए। अरे ब्यूटीफुल, इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब?
मतलब इतनी रात को सोने के गहने पहनकर बाहर निकलना अच्छी बात नहीं है। हमें दे दो, हम संभाल कर रखेंगे। ये बोलकर उस आदमी ने चाकू निकाल लिया, लेकिन अंजलि चिल्लाने लगी, कोई है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और तभी दूसरे आदमी ने रास्ते से एक डंडा उठाया और अंजलि के सर पर वार किया। अंजलि बेहोश होकर गिर गई और उसके बाद दोनों ने अंजलि का फोन छीन लिया, उसके सारे गहने छीन लिए। काम हो गया, लेकिन लगता है मैंने इसे कुछ ज्यादा जोर से मार दिया। सुबह होते होते मर गई तो बवाल हो जाएगा भाई। एक काम करते हैं, पास ही में रेलवे स्टेशन है, वहाँ एक मालगाड़ी खड़ी है, इसे उसी मालगाड़ी में डाल देते हैं। दोनों ने अंजलि को उठाया और मालगाड़ी में डाल दिया। अंजलि मालगाड़ी के अंदर बेहोश पड़ी रही और वो मालगाड़ी स्टेशन छोड़कर दूसरे राज्य की ओर निकल पड़ी। सुबह हो गई, उधर रमेश को अस्पताल से छोड़ दिया गया, वो घर लौटा। अंजलि, अंजलि कहाँ हो तुम? अरे मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अंजलि! रमेश को अंजलि घर पर नहीं मिली, वो इधर उधर भटकने लगा। उसने अपनी माँ को कॉल किया। उसकी माँ जानकी अंजलि को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए रमेश अंजलि को लेकर बाहर रहता था। जानकी ने सब कुछ सुनकर कहा, अब आ गई माँ की याद, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की अच्छी नहीं है, देख भाग गई होगी गैर मर्द के साथ। ये आप क्या बोल रही हो माँ, अंजलि ऐसी नहीं है। कैसी है वो मुझे पता है, रुक मैं आ रही हूँ तेरे पास। जानकी रमेश के पास आ गई और रमेश के कान भरने लगी। उधर मालगाड़ी पूरा दिन चलने के बाद एक स्टेशन पर रुकी और तभी अंजलि को होश आया। उसने अपनी आंखें खोली, ये क्या, मैं कहाँ हूँ? अंजलि ट्रेन से नीचे उतर गई, ये स्टेशन मैं कैसे आ गई और ये स्टेशन कौन सा है? उसने स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो पढ़ नहीं पाई, किसी और भाषा में वो नाम लिखा हुआ था। और तभी अंजलि को रात का सब कुछ याद आ गया, उन्हीं दो दरिंदों ने मुझे ट्रेन में बिठा दिया होगा, लेकिन अब मैं घर कैसे जाऊंगी, न मेरे पास पैसे और न ही फोन, सेवर भी उन दोनों ने लूट लिए हैं, उनका फोन नंबर भी याद नहीं है मुझे। अंजलि स्टेशन पर खड़ी होकर रोने लगी, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। ये दुनिया इतनी बिजी है कि यहाँ किसी अजनबी के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। अंजलि स्टेशन से बाहर आई, चारों तरफ देखकर वो समझ गई कि वो साउथ के किसी राज्य में है। मैं साउथ में हूँ और मेरा घर नॉर्थ के राज्य में है, इसका मतलब मुझे नॉर्थ पकड़कर पैदल चलना पड़ेगा। अंजलि चलने लगी, लेकिन गर्भवती होने के कारण वो ज्यादा देर तक नहीं चल पा रही थी, बीच बीच में उसे रुकना पड़ रहा था। आज होली है, चारों तरफ लोग होली मना रहे हैं, सब कुछ ठीक रहता तो आज मैं रमेश के साथ होली मनाती, लेकिन ये क्या हो गया कन्हैया, सब कुछ खत्म हो गया। अंजलि चलने लगी, उसे भूख लगी, उसने रास्ते के रेस्टोरेंट से खाना मांगा, लेकिन उसे किसी ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया। मैं बेसहारा गर्भवती औरत हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो ना साहब, मेरे बच्चे की खातिर कुछ दे दो, नहीं तो मेरा बच्चा कैसे इस धरती में आएगा। लेकिन किसी ने अंजलि की बात नहीं सुनी, अंजलि खाली पेट दो दिन तक भटकती रही। उधर अंजलि को खोकर रमेश पूरी तरह टूट चुका था, वो अंजलि से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब अंजलि उससे दूर थी। उसे तो ये पता भी नहीं था कि अंजलि कहाँ है, और उसकी माँ जानकी इसी बात का फायदा उठाना चाहती थी। जानकी ने उसकी सहेली की लड़की संगीता को कॉल किया। हाँ संगीता, वो आफत अंजलि कहीं खो गई है, यही मौका है मेरे बेटे को सहारा देने का और फिर उससे शादी करने का, तुम समझ रही हो ना? हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, मैं आज ही पहुँच रही हूँ वहाँ। जानकी बहुत खुश हुई, वो हमेशा से चाहती थी कि संगीता से रमेश की शादी हो, लेकिन रमेश अंजलि से प्यार कर बैठा। लेकिन आज जानकी और संगीता के पास मौका है। संगीता तुरंत वहाँ पहुँच गई और रमेश को तसल्ली देने लगी। रमेश तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, दुखी क्यों, देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हारा सारा दुख खत्म कर दूंगी, मुझसे एक बार प्यार करके तो देखो। लेकिन रमेश ने संगीता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उधर अंजलि चलने लगी, पूरी रात वो रास्ते पर ही चलने लगी। खाली पेट चलने के कारण उसका सर चकराने लगा, वो पेड़ के नीचे बैठ गई और तभी उसने जैसे अपने पेट में से बच्ची को कहते हुए सुना, माँ हिम्मत मत हारो, माँ चलते रहो, हम पहुँच जाएंगे माँ। उससे अंजलि को हिम्मत मिली। अगले दिन सुबह सुबह वो एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी रही, एक आदमी ने कुछ खाया और बचा खुचा डस्टबिन में फेंक दिया। अंजलि उसी खाने को डस्टबिन से उठाकर खाने लगी। ऐसे वो दिन बिताने लगी, ऐसे वो रास्ते में चलते हुए लोगों का जूठा खाना खाती रही और चलती रही। ऐसे ही 4 महीने बीत गए। अंजलि दिन में पैदल चलती और रात को किसी पेड़ के नीचे बैठकर रमेश को याद करके रोती रहती। उधर रमेश भी रो रहा था, रोते रोते उसकी आंखों का पानी सूख गया।
और ऊपर से जानकी और संगीता की बकबक सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया। संगीता रोज उसे बहलाने की कोशिश करती रही। उधर एक रात अंजलि पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगा। आह आह, बहुत दर्द हो रहा है। आह आह, कृष्ण कन्हैया, हे कृष्ण कन्हैया, रक्षा कीजिए। ये पुकार सुनकर स्वयं कृष्ण भी चुप नहीं रह पाए। वो एक डॉक्टर के रूप में प्रकट हुए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे की डिलीवरी करवाऊंगा। अंजलि चिल्लाते हुए सो गई। डॉक्टर के रूप में आए भगवान कृष्ण ने अंजलि की डिलीवरी में मदद की और उसने एक लड़की को जन्म दिया, और उसी के तुरंत बाद वो डॉक्टर गायब हो गए। अपनी बेटी का चेहरा देखते ही अंजलि को हौसला और उम्मीद मिल गई। अंजलि चलती रही, अपनी बेटी को गोद में लेकर चलती रही। उसकी बेटी भूख से तड़पने लगी। रास्ते में ही अंजलि उसे अपना दूध पिलाने लगी, और ये देखकर रास्ते के लोग हंसने लगे। अरे वादक, वो औरत रास्ते में ही अपनी बच्चे को दूध पिला रही है। ऐसे दिन बीतने लगे, लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी और 7 महीने बीत गए। अंजलि को घर से दूर 1 साल हो गया और आखिरकार वो अपने राज्य में घुस गई। इतने दिनों का सफर सफल हुआ भगवान, अब बस मुझे घर लौटना है। रमेश मेरा इंतजार कर रहा होगा। होली में मैं गायब हो गई थी और 1 साल बाद होली के दिन ही मैं घर लौटूंगी। वहाँ रमेश अंजलि का इंतजार कर रहा था, लेकिन जानकी और संगीता से और इंतजार नहीं हो रहा था। 2 दिन बाद होली थी। जानकी ने संगीता से कहा, संगीता यही मौका है, होली में लाल गुलाल के साथ सिंदूर मिला देना और रमेश से गुलाल लगवा लेना, बस हो जाएगी शादी। संगीता को ये आइडिया बहुत पसंद आया। उसने लाल गुलाल के साथ सिंदूर मिलाकर रखा। होली का दिन आ गया। सुबह सुबह रमेश घर के बाहर खड़ा होकर अंजलि को याद कर रहा था, तभी संगीता वहाँ आई। उसके हाथ में वो लाल गुलाल था। रमेश, आज होली है तो मुझे अपने हाथ से गुलाल लगा दो ना, मेरे गाल में, मेरी मांग में। ये तुम क्या कह रही हो संगीता? ठीक ही कह रही है, और कब तक इंतजार करेगा उस अंजलि का। संगीता ने रमेश का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती करने लगी, और तभी इतने दिनों बाद आखिरकार अंजलि अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पहुँच गई। रमेश, सभी चौंक गए। रमेश खुशी से रो पड़ा। अंजलि, तुम आ गई हो। अंजलि, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। रमेश ने अपना हाथ छुड़ाकर अंजलि को गले लगा लिया। ये तुम्हारी बेटी है रमेश। रमेश ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। होली के दिन अंजलि लौट आई, लेकिन जानकी और संगीता गुस्सा हो गए। संगीता ने अंजलि की बेटी को छीन लिया और जानकी ने उसके गले पर एक चाकू रख दिया। बेटा, तुझे संगीता से ही शादी करनी होगी, नहीं तो हम इस बच्ची को खत्म कर देंगे। अपनी माँ को इस खतरनाक रूप में देखकर रमेश हैरान हो गया। अंजलि रोने लगी और भगवान कृष्ण को बुलाने लगी। हे कृष्ण, मेरी बेटी की रक्षा कीजिए। और तभी एक चमत्कार हो गया। स्वयं भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। जानकी, संगीता, तुम दोनों लालची हो, जिद्दी हो। तुम इंसान होकर दूसरे इंसानों के लिए खतरा हो, इसीलिए मैं तुम दोनों को सजा देता हूँ। ये बोलकर भगवान कृष्ण ने दोनों को भस्म कर दिया। अंजलि को इंसाफ मिल गया, उसकी बेटी भी बच गई। और फिर भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंजलि ने रमेश के साथ होली मनाई, और उसके बाद अंजलि और रमेश अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी जीने लगे। दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।